प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द अपडेट्स। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने फिल्म पद्मावत के रिलीज के बस के दौरान लाइमलाइट छीनी थी, जब उन्होंने दीपिका पादुकोण के जौहर सीन को लेकर अपनी राय रखी। लिखा एक ओपन लेटर, जिसके बाद लोगों में छिड़ी एक बड़ी बहस। कईयों ने उन्हें अपने कमेंट्स के लिए फटकारा, लेकिन इन सब के बीच सोनम कपूर ने वेरी स्मार्टली स्वरा के ओपन लेटर पर अपना रिएक्शन दिया। स्वरा के समर्थन में आए कुछ ट्वीट्स को सपोर्ट करके ये जता दिया कि वो स्वरा की साइड में हैं। इस एपिसोड के लगभग एक महीने बाद सोनम कपूर ने फाइनली स्टेटमेंट दिया। अपने बयान में कहा कि उन्होंने पद्मावत देखी तो नहीं, लेकिन स्वरा की कहीं बातों को फुल सपोर्ट करती है और स्वरा अपनी राय रख सकती है। सोनम ने रिपोर्टेडली कहा, क्योंकि मैंने पद्मावत देखी नहीं है, मैं ज्यादा कुछ कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन मैं स्वरा को अपना समर्थन देती हूँ। उन्हें पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का। हमारे इंडस्ट्री में वे बड़ी हिम्मत वाली शख्सियत है। सिंस आई हैवंट सीन पद्मावत, आई कैन नॉट कमेंट ऑन द स्पेसिफिक्स, बट आई सपोर्ट स्वरा एंड हर राइट टू से व्हाट शी फील्स। शी इज अ वेरी करेजियस वुमन एंड इन आवर इंडस्ट्री इट टेक्स करेज टू से द काइंड ऑफ थिंग्स शी हैज सेड। आई एम श्योर शाहिद, दीपिका एंड संजय सर, हु गेव मी माय लॉन्च, वेंट इनटू द प्रोजेक्ट थिंकिंग दे आर मेकिंग आर्ट एंड दे हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव, बट सो डज स्वरा। सोनम ने कहा कि फिल्म के मेकर्स की राय अलग होगी, लेकिन स्वरा की भी अपनी सोच है। स्वरा ने जो लेटर लिखा था वो खूब वायरल हुआ और एक कॉन्ट्रोवर्शियल रूप ले लिया, जिसके बाद उन्हें अपने लिखे लेटर को मीडिया के सामने रख कर एक्सप्लेन भी करना पड़ा था। पर मैं बस ये कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि सबको अपने अपने प्रतिक्रिया रखने का, अपने विचार रखने का, अपना ओपिनियन रखने का हक है, बिल्कुल है। जैसा जैसा मेरा हक है वैसा दूसरों का भी हक है। तो मैंने एक बात रखी, मुझे जो लगा वो मैंने कहा। मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही एक काफ़ी पोलाइट तरीके से रखा, काफ़ी आदरणीय तरीके से रखा है मैंने। और मेरे मन में कोई ऐसा ऐसी बुरी मंशा नहीं थी, कोई मैल इंटेंट जिसे कहते हैं या कोई विशेष इंटेंट नहीं था। मेरे मन में सवाल थे जो मुझे लगता है बहुत ही जायज़ सवाल हैं, और वो मैंने पूछा। और अगर लोगों को मुझसे अगर वो मुझसे मतलब अग्री नहीं करते हैं वो बिल्कुल ठीक है, ये एक लोकतंत्र है कम से कम अभी तक। तो आई थिंक दैट अच्छी बात है कि लोग ऐसा फील करते हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, एंड आई थिंक डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, आर्ट का मकसद ही वो है। सो आई थिंक इट्स फाइन। इसमें इतना मतलब आई डोंट नो, आप सब इतने एक्साइटेड क्यों हो गए हो? नहीं, एक्चुअली मुझे नहीं लगा था कि इतना विवाद, नहीं मुझे नहीं लगा था कि इतना बवाल हो जाएगा, और मुझे नहीं लगा था कि इतने सारे लोग जो कि फिल्म से कनेक्टेड नहीं है किसी भी तरीके से वो इतने नाराज़ हो जाएंगे। और मुझे ये भी नहीं पता था कि एक खास शब्द जो वी से शुरू होता है, यहाँ बहुत सारे फैमिली चैनल हैं तो शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए वो वर्ड, वो इंग्लिश में वी से शुरू होता है, हिंदी में वाई य से शुरू होता है, वो महज वो बोलने से इतना बवाल हो जाएगा। आई मीन फ्रेंकली आई रियली थिंक कि थोड़ा मतलब अभी ठीक है यार, मैंने एक बात रखी है, आगे से लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, इसमें इतना नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। एंड खासकर उन लोगों को इतना नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है जिनका फिल्म से कोई लेना देना भी नहीं है। सो नहीं, अभी तक तो मेरी उनसे ऐसी कोई बात नहीं हुई है। मैंने जो लेटर लिखा था वो एक ओपन लेटर के फॉर्मेट में लिखा था, तो वो मैंने लाइक एक पब्लिश्ड एक पब्लिकेशन के ज़रिए लिखा था, क्योंकि मेरे सवाल जो थे मुझे लगा कि वो चूँकि ये फिल्म एक नेशनल मुद्दा बन गई है, एक नेशनल कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन गई है, और मैं ये ज़रूर याद दिलाना चाहूँगी आप सबको जो इतना मज़ा ले रहे हो इसमें, कि मैं उन आवाज़ों में से थी जिन्होंने लगातार पद्मावती का सपोर्ट किया। आई थिंक ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, मैंने लगातार करणी सेना के खिलाफ बयान दिए हैं, लगातार मैंने वायकॉम, संजय सर, पद्मावती के बाकी टीम के हक के बारे में बोला है कि, और सिर्फ उनके नहीं हर आर्टिस्ट का हक है कि वो अपनी जो कहानी कहना चाहते हैं, जो फिल्म कहना चाहते हैं, वो उसे एक सुरक्षित समाज में एक सुरक्षित रूप से बनाएं। मैंने बार बार निंदा करी है जिस किस्म की हिंसा का सामना करना पड़ा फिल्म की पूरी टीम को। सो ऑब्वियसली मेरा कोई मैल इंटेंट नहीं है, लेकिन एक बार फिल्म रिलीज़ हो जाती है फिर वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पब्लिक कंजम्पशन के लिए आ जाती है, और चूंकि ये फिल्म इतनी ज़रूरी फिल्म है हमारे समाज में, इस फिल्म ने इतने सारे बाकी मुद्दे खोले, इसलिए मैं चाहती थी कि जो मेरे सवाल हैं वो भी उस जो
वो भी वो जो एक नेशनल कॉन्वर्सेशन है, एक राष्ट्रीय स्तर पे जो बातचीत हो गई है, उसका हिस्सा बने। और इसलिए, सिर्फ इसलिए मैंने ये जो लेटर है वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पब्लिश किया। वेल, सोनम सपोर्टिंग स्वरा, वो भी पद्मावत बिना देखे। आपके क्या रिएक्शंस होंगे इस पर, बताएं हमें कमेंट्स करके।